हेलो, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। हेलो गाइस, आज का डिस्कशन है हमारा लॉस इन ट्रांसफार्मर। बहुत इंटरेस्टिंग। देखिए, जब भी मैं क्लास लेता हूँ, आपको जरूरी एक चीज़ डिफाइन कर देता हूँ कि आपने कौन से टॉपिक को ज़्यादा फोकस करना है। तो लॉस इन ट्रांसफार्मर एक ऐसा टॉपिक है जिससे सब एग्जाम में, मोस्टली एग्जाम में, इवन गेट ईएस के भी एग्जाम में जाते हो तो लॉस इन ट्रांसफार्मर से आपके क्वेश्चन पूछते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप बड़ा फ्रिक्वेंट होता है। पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब इसमें भी कई चीज़ें हैं जिसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, लॉस इन ट्रांसफार्मर आप जब भी पढ़ते हैं वो क्या होता है, दो प्रकार के पढ़ते हैं, कोर लॉस और कॉपर लॉस, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए, पहले लॉस क्या है, सिंपल वे में समझता हूँ मैं, फिर आपके डिस्कस करता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए, ट्रांसफार्मर है, यहाँ से जो इनपुट दिया जाएगा दैट इज इनपुट पावर। उसके बाद इसके अंदर, इस पूरे कोर के अंदर जो क्षति होगी, इंक्लूडिंग वाइंडिंग, जो क्षति होगी दैट इज लॉस। एंड लोड, यहाँ पे जो भी लोड लगा है, मान लीजिए मोटर लगा है, जनरेटर, वाटवर, फैन लगा है, बल्ब लगा है, इस लोड पे जो आउटपुट पावर मिल रहा है दैट इज आउटपुट पावर। क्लियर? तो तीन चीजें हो गई, एक इनपुट, एक लॉस, तीसरा आउटपुट पावर। तो अगर कोई बोले कि बताइए इनपुट पावर कितने के बराबर होगा, तो हम कहेंगे क्या आउटपुट में मिला प्लस जो खर्च हुए, यही इसका ट्रांसफार्मर के क्या हो गया, इनपुट हो गया। इसका मतलब देखिए, पी इनपुट, पावर इनपुट जो है ट्रांसफार्मर के लिए क्या होगा, पी आउटपुट प्लस पावर लॉस। क्लियर? यहाँ पे मैंने अच्छे से दिखा दिया है। अभी हम बात करेंगे जिसमें कि ये हमारा वाइंडिंग है जिसको आपने देखा हमेशा कॉपर का बनता है, ये कोर है जो आयरन का बनता है, सिलिकॉन स्टील का बनता है। कंस्ट्रक्शन में हमने बहुत सारे चीज़ को डिस्कस किया है। अब समझिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आयरन लॉस, जिसको कोर लॉस बोला जाता है, और कॉपर लॉस। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है स्ट्रे लॉस क्या होता है या डायलेक्ट्रिक लॉस ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो हम उसको भी एक बार जानेंगे। तो देखिए आपके स्क्रीन पे क्या है, आपके स्क्रीन पे है लॉस चार प्रकार के हैं। इस लॉस में आप देखेंगे तो आयरन लॉस है जिसको आगे क्लासिफाइड कर दिया गया हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस में। उसके बाद देखिए कॉपर लॉस है, फिर आप देखेंगे स्ट्रे लॉस है, और देन देखेंगे डायलेक्ट्रिक लॉस है। तो मैं यहाँ पे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इनके बारे में बस एक नॉलेज होनी चाहिए, आपको आइडिया होना चाहिए। स्ट्रे लॉस क्या होता है समझिएगा, यहाँ पे स्ट्रे लॉस उस लॉस को कहते हैं, वो चूंकि अपने को पढ़ना नहीं है स्ट्रे लॉस या डायलेक्ट्रिक लॉस। हाँ, कभी कोई पूछ देता है कि स्ट्रे लॉस होगा तो क्या होगा, डायलेक्ट्रिक लॉस होगा तो क्या होगा, तो हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें इसको तो हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, पहले उसको निपटा लेते हैं। चलिए, स्ट्रे लॉस क्या होता है, जब स्ट्रे लॉस की बात करते हैं तो जब ट्रांसफार्मर में बोला कि कुछ ना कुछ लीकेज फ्लक्स तो होता है ना, यहां से क्या होगा, कुछ ना कुछ लीकेज फ्लक्स होगा। तो लीकेज फ्लक्स के कारण जो भी मशीन के अंदर लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, दैट इज नॉन एज स्ट्रे लॉस। क्लियर? लेकिन ये इतने कम होते हैं, ये इसके तुलना में आप कह सकते हो कोर लॉस आयरन लॉस के तुलना में, कोर लॉस और कॉपर लॉस की तुलना में इतने कमजोर, इतने कम होते हैं, इसीलिए इसको नेग्लेजिबल माना जाता है। तो स्टडी हम नहीं करते हैं, ठीक है, एक चीज क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं दूसरी चीज, डायलेक्ट्रिक लॉस क्या होता है। देखिए, डायलेक्ट्रिक लॉस इस टाइप के ट्रांसफार्मर में एग्जिस्ट नहीं करता। डायलेक्ट्रिक लॉस वहीं पर होता है जो थ्री फेज, आप देखें तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर जहां पर टैंक के अंदर ऑयल होगा, ऑयल जहाँ पे होता है समझिएगा, जहाँ पे जिस ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल होता है, ऑयल हम देते हैं इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए, है ना। अगर दो वाइंडिंग है तो उसके बीच अगर हवा होगा तो हवा को वो क्या करेगा, लीकेज करंट एक मीडियम बना सकता है। तो उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑयल फिल करते हैं। ऑयल फिल के कई रीजन है ट्रांसफार्मर में, थ्री फेज पर रहेंगे तो हम बहुत सारा डिस्कस करेंगे। एक तो हमारा क्या बेनिफिट है वहाँ पे ऑयल फिल करने का, एक तो ट्रांसफार्मर को कूल रखता है, दूसरा डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है। यानी दो वाइंडिंग है तो उसके बीच अगर ऑयल हम रख दिए तो क्या होता है, करंट को पास करने से जो एयर का गैप है उसको ब्रेक करके करंट ना चला जाए उसको भी खत्म करने का काम करता है। तो डायलेक्ट्रिक लॉस क्या है, अगर ऑयल की क्वालिटी डिटोरिएट कर जाए, खत्म होने लगे, क्षय होने लगे, तो क्या होता है, हमारे लीकेज करंट होने का डर होता है, वो जो लॉस कहलाता है, जो डायलेक्ट्रिक लॉस जो होती है वो होती है। जैसे जैसे ऑयल की प्रॉपर्टी खत्म, ऑयल जो खराब होने शुरू हो जाएंगे, उसमें जो लॉस होंगे उस टाइम, वो कहलाता है डायलेक्ट्रिक लॉस, ठीक है ना। तो डायलेक्ट्रिक लॉस ये है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए थी इसलिए मैंने इसको डिस्कस करा है। चलिए, इंपॉर्टेंट तो हमारे पास ये है, ठीक है ना, कोर लॉस और कॉपर लॉस। चलिए हम डिस्कस करते हैं कोर लॉस और कॉपर लॉस क्या होता है। कोर लॉस को अगर बात की जाए
तो देखिए ट्रांसफार्मर के अंदर कोर लॉस की बात की जाए तो क्या होता है, समझिएगा, दो लॉस है। एक यहाँ पे जो वाइंडिंग है, ये देखिए इसके अंदर जो वाइंडिंग है, हालांकि ये मैं सेल टाइप का ट्रांसफार्मर लिया हूँ, वहाँ पे बना है कोर टाइप का ट्रांसफार्मर, ये आपको पता होना चाहिए, शुरू से मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। ये देखिए अगर कोई बोल रहा है कॉपर लॉस, तो कॉपर किसमें, ये देखिए कॉपर का बना है ये वायर, देखिए कॉपर का बना है, ठीक है ना, ये कॉपर का बना है, कॉपर का अंदर में वाइंडिंग है, तो इसके अंदर जो क्षति होती है दैट इज नॉन कॉपर लॉस, क्लियर, दैट इज नॉन एज कॉपर लॉस। और यहां से समझिएगा, अगर ये वाइंड, ये कोर है ना, ये कोर है हमारा, ठीक है, इस कोर में जो क्षति होती है, फ्लक्स फ्लो करता है ना जी इससे, ओके, इस कोर के अंदर इस पत्तियों में जो क्षति होती है दैट इज नॉन एज कोर लॉस, क्लियर। तो वाइंडिंग के अंदर जो लॉस होता है दैट इज कॉपर का बना होता है कॉपर लॉस, और कोर के अंदर जो आयरन के अंदर जो लॉस होता है दैट इज कोर लॉस और आयरन लॉस। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, क्लियर। हम देखते हैं अब इसके बारे में, पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा। अब देखिए आयरन लॉस को ही बोला गया कोर लॉस और कॉन्स्टेंट लॉस, क्यों, कॉन्स्टेंट लॉस के आगे डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन से। आयरन लॉस को ही कोर लॉस, क्योंकि ये कोर है, आयरन का ही बना है, इसीलिए इसको कोर लॉस बोला जाता है। कॉन्स्टेंट लॉस क्या होता है थोड़ा समझ लीजिए, ये हमेशा वोल्टेज पर निर्भर करता है कॉन्स्टेंट लॉस, और ट्रांसफार्मर में नो लोड हो या फुल लोड वोल्टेज हमेशा नियत होता, इसीलिए ये हमेशा क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है, ये कभी करेंट पर निर्भर नहीं करता। तो हमारा आयरन लॉस जो होता है वो हमेशा कॉन्स्टेंट होता है, अभी फिलहाल यही समझिए। इसमें लोड के फ्लक्चुएशन से सेकेंडरी साइड, मान लो 10 घर लगा है, 50 घर लगा है, 200 घर लगा है, यानी लोड में चाहे फ्लक्चुएशन हो जाए तो करेंट घटेगा बढ़ेगा, लेकिन इसके पावर लॉस में कोई क्षति मतलब चेंजेस नहीं होते हैं, ये इसीलिए कॉन्स्टेंट लॉस होते हैं। और नो लोड करंट आप जानते हैं, नो लोड करंट आई नोट जो होता था, आप समझिएगा ये हमेशा रहता था, चाहे फुल लोड हो या नो लोड, तो आई नोट जो कारण जो होता था, तो यही है हमारा कहीं कहीं लोन आपका कोर लॉस, इसलिए हमेशा कॉन्स्टेंट होता है चाहे नो लोड हो या फुल लोड, दिस इज आयरन लॉस, आयरन के अंदर क्षति होता ही था, ठीक है ना। तो आगे हम क्लासिफाइड करेंगे आयरन लॉस, और दो तरीके से बढ़ता है, एक हिस्टेरेसिस लॉस, एक एडी करंट लॉस। आप समझिए हिस्टेरेसिस लॉस भी कहां होता था, ये देखिए इसी कोर के अंदर अलाइनमेंट, फ्लक्स के अलाइनमेंट, चूंकि एसी होता है तो फ्लक्स के अलाइनमेंट लगातार चेंज करता है, हम डिस्कस करेंगे एक एक को बहुत अच्छे से हिस्टेरेसिस एडी को। तो फ्लक्स के अलाइनमेंट इस कोर में चेंज होने से जो एनर्जी का लॉस होता है दैट इज हिस्टेरेसिस लॉस। एडी करंट लॉस क्या होता है, उसी प्लेट में, यानी इस कोर के प्लेट में, इस कोर के प्लेट में जो क्षति होती है इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ना, और इसी कारण हम इस करंट सर्कुलेट करने लगता है, चूंकि ये पत्ती क्लोज होती है, इसीलिए इसको एडी करंट लॉस को ही कम करने के लिए इसको पतले पतले सेक्शन में बांटा जाता है, ताकि करंट हैवी ना हो जाए। हमने यहाँ आगे मैग्नेटिक सर्किट के अंदर भी डिस्कस करा था इसको, हम हालांकि इसको एडी करंट को बहुत अच्छे से यहाँ पे देखेंगे आपसे, है ना। तो एडी करंट लॉस ये होता है, इसको इंडिकेट करने के लिए मैं यहाँ पे पीई यूज कर सकता हूँ, डब्ल्यू यूज कर सकता हूँ, बहुत जगह एग्जाम में या क्वेश्चन आपके जब मिलते हैं, बहुत सारा बुक में भी देखोगे कहीं पीई यूज करता है, कहीं डब्ल्यू यूज करता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना। यहाँ एच फॉर हिस्टेरेसिस, एच फॉर हिस्टेरेसिस, तो पी एच या पी डब्ल्यू यूज करें तब भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कॉपर लॉस, कॉपर लॉस मतलब वाइंडिंग, वाइंडिंग के अंदर, वाइंडिंग में ही तो कॉपर हो रहा है ना, ये देखिए वाइंडिंग है, उसी के कॉपर है, वाइंडिंग कॉपर का बना है, ठीक है ना। तो कॉपर के अंदर जो क्षति होगी, कॉपर के अंदर जो क्षति होगी दैट इज लॉस होगी, वो कहलाता है वाइंडिंग लॉस, यानी कॉपर लॉस वाइंडिंग लॉस कह सकते हैं, क्योंकि वाइंडिंग ही बना है। या इसी को बोला जाता है वेरिएबल, क्यों बोला जाता है वेरिएबल, क्योंकि ये लोड पर निर्भर करता है, सेकेंडरी साइड ओपन तो कॉपर लॉस नेग्लिजिबल हो जाता है, सेकेंडरी साइड लोड लगाएंगे तो कॉपर लॉस बढ़ेगा, यानी लोड के अकॉर्डिंग ये घटता बढ़ता है, इसीलिए इसको वेरिएबल लॉस कहते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। या इसी को आई स्क्वायर आर लॉस भी बोला जाता है, चूंकि ये रेजिस्टेंस के अंदर होता है, वाइंडिंग का जो भी रेजिस्टेंस है, अगर ये वाइंडिंग है, अगर आप देखें ये वाइंडिंग है तो ऑब्वियसली इसके अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है और कुछ ना कुछ इंडक्टर है, इंडक्टर तो ज्यादा है ही, तो रेजिस्टेंस है, तो इसके अंदर जो क्षति है वही आई स्क्वायर आर लॉस या ओमिक लॉस कहलाता है। ओमिक, ओम के अंदर, रेजिस्टेंस के अंदर जो लॉस है वही हमारा क्या कहलाता है, ओमिक लॉस। तो ये तो ओवरव्यू है, अब एक एक चीज को हम डिस्कस करेंगे, किस तरीके से आयरन लॉस, उसके बाद कॉपर लॉस, फिर आयरन लॉस के अंदर हिस्टेरेसिस लॉस, एडी करंट लॉस। यहाँ पे कुछ चीज़ें का पेशेंस रखना है आपको, मैं बता दूँ, यहाँ पे अच्छे लेवल पे जाना है, क्योंकि कैसे भी क्वेश्चन करे तो हम जवाब देंगे और बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस भी उठाएंगे, क्योंकि ये पूछता है, इन टॉपिक को कभी स्किप ही नहीं कर सकते अपन, ध्यान रहे, पेशेंस बना के रखना है आखिरी तक। आपको मैं इसका जो लॉस के क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम में छूटने नहीं दूंगा,
टफ चीज होते हैं कई बार बी, और क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के टर्म आ जाते हैं तो बच्चे कई बार मतलब उसको लगता है कि थोड़ी टफनेस पे जा रहे हैं, थोड़ा ज्यादा जा रहे हैं। नहीं, अगर इसको पढ़ लोगे ना तो जिंदगी में कभी भी मैं गारंटी देता हूं लॉस के क्वेश्चन आप नहीं छोड़ोगे। तो हर तरीके से थियोरिटिकली भी पूछते हैं क्वेश्चन में, और कई बार न्यूमेरिकली भी आते हैं, बहुत आसान आते हैं। पर मैं चाहता हूं, मैंने जैसे बोला कि लेवल अपने को थ्योरी जेईई में ज्यादा पूछता है तो लेवल इसके अच्छे रखने हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं अब एक एक ये लॉस को बारी बारी से। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब मैं जाता हूं पहला ही पॉइंट, कोर के अंदर जो क्षति हो रही है उसमें हिस्टेरेसिस लॉस को डिस्कस करता हूं। हिस्टेरेसिस का मतलब क्या होता है? हिस्टेरेसिस का मतलब होता है स्मॉल लूप। स्मॉल लूप मतलब बहुत छोटा लूप। ये लूप की बात कहां से आ रही है? लूप का मतलब अगर मैग्नेटिक सर्किट का ध्यान हो तो लूप का मतलब इससे था कि एक एनर्जाइज हुआ पहले जब करंट दिया तो फील्ड बना, और एक बार जब फील्ड बना तो बी एच आपको जीरो हो रहा है तो कोई जीरो नहीं हो रहा, यानी ये यहाँ से लूप आ रही है। ये चीज़ें हैं लूप आपका, ठीक है ना, जिसमें इसकी ये हॉरिजॉन्टल है और ये बेस है, क्या आप कह सकते हो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है। अब याद कैसे रखना है किधर बी किधर एच? तो ध्यान दें ये एच फोर हॉरिजॉन्टल, एच फोर बेस ये वाला है ना, और ये बाकी उधर डेंसिटी होगा। तो यहाँ का मतलब होता है हिस्टेरेसिस लूप, मतलब होता है स्मॉल लूप, और जहाँ भी लूप बनेगा, लूप जहाँ भी बनेगा उसके समानुपाती होता है लॉस, यानी जहां लूप बड़ा लॉस भी बड़ा, लूप छोटा लॉस भी छोटा। तो यहाँ पे इस कोर के अंदर क्षति होती है हिस्टेरेसिस लॉस। अब हम देखना चाहेंगे एक बार, ये देखिए ये कोर में क्षति होती है। कोर में दो प्रकार की क्षति, हिस्टेरेसिस और एडी। तो पहले हिस्टेरेसिस को डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्या होता है यहाँ पे। सबसे पहले ये जिस भी मटेरियल का बना होगा, ये जिस भी मटेरियल का बना होगा, ऐसे किस मटेरियल का बना होता है ये बताइए आप लोग, क्योंकि मैं मैग्नेटिक सर्किट में दिखाया हूँ, सिलिकॉन स्टील होता है ना, ये मैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए कि अगर मैग्नेटिक मटेरियल का है, उसके अंदर जो है प्रॉपर्टी, पहले रैंडम शेप होता है। कैसा शेप होता है? रैंडम, कोई किधर कोई भी किधर, जो रैंडम शेप था है ना, डोमेन शेप से ये है, इसी को डायपोल्स बोला जाता है, ये जो है इसको डायपोल्स बोले जाते हैं। अब समझिए रैंडम शेप में था, यानी कोर में अगर आपने सप्लाई नहीं दिया है, इस कोर में कोई सप्लाई नहीं दिया है, तो उसके जो डोमेन्स हैं वो अपने स्वतंत्र अवस्था में कोई किधर कोई किधर कोई कहीं कोई किसी भी डायरेक्शन में है। लेकिन जैसे ही आप अप्लाई करते हो क्या सप्लाई इनपुट, जैसे ही अप्लाई करते हो यहाँ पे सप्लाई, तब क्या देखने को मिलता है? जैसे ही यहां पे करंट जाएगा तो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, और फ्लक्स किस डायरेक्शन में जाएगा? इधर देखिए। तो जैसे ही आप सप्लाई देते हो तो ये एक लाइन पकड़ लेता है, ये जो रैंडम शेप था ना, ये रैंडम शेप था, सब एक शेप में आने लगता है, एक शेप में आने लगता है। तो समझिए ये एक शेप में जा रहा था, और फिर कुछ देर बाद जो होता है क्या, चूंकि एसी में करंट का डायरेक्शन लगातार चेंज कर रहा होता है, करंट एक बार इधर से, एक बार इधर से, इधर से, इधर से, तो फ्लक्स का डायरेक्शन एक बार इधर से और फ्लक्स का डायरेक्शन एक बार इधर से। इसका मतलब क्या है? एक बार फ्लक्स का अलाइनमेंट इधर और दूसरे बार फ्लक्स का अलाइनमेंट इधर। इसी कोर में एक बार फ्लक्स इधर से जा रहा है, इसी कोर में फ्लक्स एक बार इधर से आ रहा है। तो अलाइनमेंट, फ्लक्स जो है अपना अलाइनमेंट लगातार चेंज कर रहा है, देखिए लगातार चेंज कर रहा है। आप बताइए कोई डोमेन, कोई अलाइनमेंट लगातार अगर अपना चेंज करे तो उसके दौरान एक क्षति होगी नहीं, वो एनर्जी कंज्यूम करेगा कि नहीं? ऐसा तो नहीं है फ्लक्स एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो कोई एनर्जी नहीं लेगा, एक बार जो एनर्जी ले लिया अब वो जा रहा है, नहीं, ये डायरेक्शन लगातार चेंज कर रहा है, तो इसमें अलाइनमेंट चेंज हो रहे हैं डोमेन्स के, इसके कारण क्षति उस कोर में होती है, दैट इज नॉन एज हिस्टेरेसिस लॉस। क्लियर? आई होप कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो ये चीज आपने समझ लिया। ये क्या मैं लिख दिया हूं 200 और 270 और 090, ये क्या लिख रखा हूं इसके बारे में भी हम अभी डिस्कस करेंगे। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओवरव्यू आपने समझ लिया होगा। आप समझिए ऐसा क्यों होता है, जब ट्रांसफार्मर में जब एसी अप्लाई करते हो तो आपका करंट भी देखिए इसी तरीके से जाता है, करंट लगातार क्या होता है अपने पीक पे जाता है। सर्किट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा से बोल रहा हूँ सर्किट थ्योरी जरूर पढ़ना। अगर फिलहाल कुछ नहीं पढ़ पाए हो इसको पढ़ने के लिए, वैलिडिटी तो मैं बढ़ा ही रखा हूँ आपके कोर्स का, लेकिन ध्यान रहे इसको अगर नहीं पढ़ पाए हो तो कम से कम एसी एनालिसिस जरूर पढ़ लेना, ताकि ट्रांसफार्मर आपका बहुत अच्छा से निकले। हालांकि सर्किट थ्योरी जरूर पढ़ लेना, यूट्यूब पे पूरा ही कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ से। तो ये इसका मतलब करंट बढ़ रहा है तो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे करंट जाता है, फिर करंट नीचे आता है, जीरो क्रॉस करता है, फिर करंट नेगेटिव साइड से मैक्सिमम पे जाता है, फिर जीरो क्रॉस करता है। तो इस तरीके से करंट फ्लो करता है इसके वाइंडिंग से। अब जब करंट
फ्लो करता है, तो आपको पता है करंट किसके समानुपाती है जी, फ्लक्स के समानुपाती करंट। जिस रफ्तार से करंट बढ़ेगा फ्लक्स भी वैसे ही बढ़ेगा और वैसे ही घटेगा, है ना। अब बढ़ेगा घटेगा तो क्या हो गया, यहाँ से देखिएगा जिस तरीके से करंट बढ़ रहा है हमारा फ्लक्स भी बढ़ रहा है, एकदम फेज में चलता है करंट और फ्लक्स, हमेशा क्या होता है सेम फेज में चलता है। जैसे जैसे इस वाइंडिंग में यानी कॉपर के वाइंडिंग में करंट बढ़ता जा रहा है, इस कोर के अंदर फ्लक्स भी क्या करता है लगातार बढ़ता है। करंट अपने मैक्सिमम पोजिशन पे तो फ्लक्स भी अपने मैक्सिमम पोजिशन पे, फिर करंट गिरता है तो फ्लक्स भी बेचारा गिरता है, फिर इसे ही सिनोनिमस रिश्ते के चलता है। अब समझिए क्या हो रहा है, जैसे ही रैंडम शेप था, पहले जब सप्लाई नहीं दिए तो रैंडम शेप था, अब जैसे ही आपने इनपुट दिया तो करंट बेचारा बढ़ना शुरू किया, करंट बेचारा बढ़ना शुरू किया तो फ्लक्स भी बढ़ना शुरू किया। फ्लक्स जैसे बढ़ना शुरू किया एक लाइन को फॉलो कर लिया, एक लाइन को फॉलो किया, कब तक, अप टू 90 डिग्री तक, 90 से 90 डिग्री तक फ्लक्स लगातार एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, यही उस डिग्री को मेंशन किया हूं। उसके बाद देखिए यहां पे क्या हो रहा है, अगर आप देखेंगे 90 से 180 के बीच क्या हो रहा है, तो 90 से 180 बीच के बीच क्या होगा, ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा होगा, इधर से इधर आ रहा होगा, क्लियर। ये जो इधर जा रहा था अब ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा होगा, शिफ्ट कर रहा होगा, और जैसे ही यहाँ चला जाता है 180 से 270 के बीच तब इसका डायरेक्शन इधर हो जाता है। ये देखिए 180 से 270 के बीच नेगेटिव डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन को फॉलो करेगा, लगातार बढ़ता चला जाएगा, तो इस डायरेक्शन में ये लगातार एक ही डायरेक्शन को फॉलो करता है, वो डायरेक्शन 180, वो थीटा का मान कितना है जी, थीटा का मान कितना है 180 से 270 के बीच, ये लगातार फिर फ्लक्स का वैल्यू गिरता चला जाता है, तो फिर ये शेप क्या करेगा, चेंज करता चला जाएगा, फिर पॉजिटिव में आएगा तो डायरेक्शन एक फॉलो कर लेगा। इस दौरान जो होता है अलाइनमेंट चेंज करने में लगातार जो एनर्जी की खपत होती है, दैट इज नॉन एज हिस्टेरेसिस लॉस। तो ये कॉन्सेप्ट वाइज है, लेकिन मैथमेटिकली पूछता है आपसे, है ना, तो मैथमेटिकली भी सीखना है आपको और बहुत अच्छे से सीखना है। आई होप हिस्टेरेसिस लॉस को अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए हम देखते हैं मैथमेटिकली कैसे होते हैं, क्या होते हैं स्टिजेमेंस कांस्टेंट, है ना, और इसके क्या फॉर्मूले होते हैं, क्या फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको अच्छे लेवल के देखने को कई बार मिल जाते हैं, तो हम उसको देखेंगे। ओके चलिए, ओके गाइस, तो अब हम देखते हैं मैथमेटिकल टर्म से हिस्टेरेसिस लॉस को कैसे करते हैं, जिसको आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए मैथमेटिकल टर्म से हिस्टेरेसिस लॉस की बात करें, pH इक्वल टू WH, या वो एक ही चीज़ है, दोनों को हमने पहले एक्सप्लेन किया था। इसको बोलते हैं देखिए ईटा इंटू बी एम पे पावर एक्स वी सी इंटू एफ। अब कौन क्या क्या टर्म है उसको मैं बता देता हूँ, ये कांस्टेंट टर्म है ना, जिसको बोलते हैं स्टेमेंस कांस्टेंट या कोफिशियंट, ठीक है ना। उसके बाद बी एम क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स की डेंसिटी, ऐसे बी फ्लक्स डेंसिटी है तो ये मैक्सिमम फ्लक्स की डेंसिटी। उसके बाद इस पे पावर जो है एक्स होता है, ये डिपेंड करता है काफ़ी चीज़ों पे, लेकिन यहाँ पे हम हमेशा यूज करते हैं क्या 1.6, एक्स का मान हमेशा कितना होगा 1.6, ये दिमाग में बैठा लें इसका मतलब। और फिर वी सी, यहाँ वॉल्यूम नहीं है, ये वोल्टेज नहीं है, ये ध्यान रहिए क्या है, वॉल्यूम है, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोर है, वॉल्यूम ऑफ कोर, इसलिए वी सी यहाँ कर दिया हूँ सी फॉर कोर, कन्फ्यूज ना हो, ये वोल्टेज नहीं है, वॉल्यूम ऑफ कोर है, एंड एफ जो है सप्लाई की फ्रिक्वेंसी है। आपने जो सप्लाई अप्लाई किया होगा तो उसकी जो भी फ्रिक्वेंसी रही होगी, ये फ्रिक्वेंसी है जैसे 50 हर्ट्ज़ है, तो वो उसकी फ्रिक्वेंसी रही होगी। इसका मतलब आपका हिस्टेरेसिस लॉस किन किन पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा है, आपके मैग्नेटिक फील्ड के डेंसिटी पर, है ना, आपके फ्रीक्वेंसी पर, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड के डेंसिटी पर और फ्रीक्वेंसी पर। और मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी हमेशा मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं, फ्रीक्वेंसी भी मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं, तो ये हमेशा कांस्टेंट ही होता है, पर फ्रीक्वेंसी अगर वेरी कराएंगे तो हमारी ये चीज़ें लॉस चेंज करता जाएगा। तो आई होप अगर इसको अब इस तरीके से आप लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, कई बार आपसे पूछे जाते हैं फॉर्मूला ही, बहुत कम फॉर्मूला पूछेगा, लेकिन कई बार आपको देखते पूछता है किस पे डिपेंड कर रहा, और इसका यूज होगा आगे, आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसका यूज होगा, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो हम आगे देखते हैं इसमें कि इसका लॉस जो है कैसे कैलकुलेट करा जाएगा मैथमेटिकली। अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, अब थोड़ी सी टफनेस शुरू करते हैं, क्योंकि इस पे बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, पर इसके थ्योरी आपको थोड़ा सा उलझा सकता है, पर मैं उलझने नहीं दूंगा, एक एक चीज़ को लेयर बाय लेयर करेंगे, ठीक है ना। लेवल इसका बढ़ रहा है अब धीरे धीरे, अब लेवल बढ़ता चला जाएगा, तो ध्यान रखें, एकदम की पेशेंस बना के रखें, जो रुकता है वही पाता है, इतना दिमाग में रखें, पेशेंस नहीं समझ में आएगा, कितना स्थिति खराब होगी तो आप इसको देखिएगा कम से कम, और लास्ट तक जाइएगा, जब क्वेश्चन बनाना शुरू करिएगा तो बोलिएगा क्या हमने सीखा कॉन्सेप्ट,
ठीक है ना। इसीलिए अभी मेरी पूरी कोशिश होती है आप यहीं से बहुत बेहतरीन सीखते चले जाए। अब देखिए क्या हो रहा है, जो हिस्टेरेसिस लॉस हो रहे हैं वो इसी कोर के अंदर हो रहा है। अब कोर में जब हिस्टेरेसिस लॉस है तो बोल रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करता है। ओके गाइज, अब मैथमेटिकली भी कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। आइए क्या कह रहा है हिस्टेरेसिस लॉस में, केस वन कह रहा है कि हमने जो इक्वेशन देखा अभी उसमें फ्रीक्वेंसी भी था, फ्लक्स डेंसिटी भी था, बाकी सब तो कांस्टेंट ही था। अब कह रहा है कि अगर केस वन, अगर बीएम को कांस्टेंट लिया जाए, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी को कांस्टेंट ले लिया जाए, तब क्या होगा जी, तो सब कांस्टेंट हो गया, तब बचा क्या फ्रीक्वेंसी उस इक्वेशन में। अब फ्रीक्वेंसी बचा, इसका मतलब कह रहा है कि अगर फ्रीक्वेंसी, अगर बीएम को कांस्टेंट रखेंगे ठीक है ना, तो ये हमेशा क्या होगा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा हिस्टेरेसिस लॉस। समझने के लिए समझिए, कोई कह रहा है 100 रुपए है तो ये कितना होता है 20 गुना 5, ठीक 20 गुना 5। तो कोई कह रहा है अगर ये वेरिएबल, ये सब वेरिएबल होगा तो इसको अब बना के ये 10 कर देंगे तो ये हो सकता है कि 1000 हो जाए, ये तभी होगा, ये 200, ये 200 तभी होगा, ये 200 तभी होगा जब ये कांस्टेंट रह जाए, ये 200 तभी होगा, ये इसके रेशियो में ये तभी बढ़ेगा, अगर इसको बढ़ा दिया जाए तो ये तभी बढ़ेगा ये जब ये कांस्टेंट रहेगा। अगर आप चाहेंगे कि ये 10 हो गया लेकिन ये अगर बढ़ जाए किसी कारणवश, ये अगर मान लीजिए यही आपका 25 हो गया, तो क्या ये 200 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसके मतलब होता है क्या समझिएगा, इसका ये मतलब होता है कि अगर ये चीज़ें हो, तीन वेरिएबल हो, उसमें एक को कांस्टेंट रहना पड़ेगा तो एक बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ठीक, अगर ये कांस्टेंट है तो ये बढ़ेगा तो इसको घटना पड़ेगा, यही चीज़ होता है ना, तब ये बराबर रहेगा। उसे ही अगर आपसे अभी कोई बोल रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखिए अगर कोई आप इसको डबल करना चाहते हैं तो ये डबल होगा तो ये डबल हो जाएगा, लेकिन उसके लिए भी कांस्टेंट होना पड़ेगा। वैसे ही अगर बीएम कांस्टेंट हो जाए उस इक्वेशन में तो फ्रीक्वेंसी जितना बढ़ेगा हमारा हिस्टेरेसिस लॉस भी बढ़ेगा, समानुपाती हो जाएगा। लेकिन भैया ध्यान रखिए, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फ्रीक्वेंसी क्या यूँ ही बढ़ा देंगे हम, फ्रीक्वेंसी क्या यूँ ही बढ़ा दोगे आप किसी ट्रांसफार्मर का, अगर ये सप्लाई इनपुट से आ रहा था, इनपुट से आ रहा था किसी लोड को जाएगा तो सब कुछ मेंटेन है, वोल्टेज मेंटेन है, सब चीज़ मेंटेन रहते हुए फ्रीक्वेंसी कहाँ से आप बढ़ा दोगे, नहीं बढ़ा सकते। क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के लिए इक्वेशन एक देखिए हमारा आया था यहाँ पर इक्वेशन में, ई या वी लगभग बराबर होता है, बराबर 4.445 mF × n। ये इक्वेशन कहता है कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, क्या कह रहा है, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा तो वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। या फिर किसी ने बोला कि फ्रीक्वेंसी अगर आप बढ़ा दोगे और वोल्टेज को कांस्टेंट रखोगे तो बीएम को घटना पड़ेगा, इतना ही वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको एनी हाउ, क्लियर। यानी एक तरफ तो ये बोला है बीएम अगर कांस्टेंट आया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो हिस्टेरेसिस लॉस बढ़ जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर किसी सिस्टम में फ्रीक्वेंसी सिर्फ कहाँ बढ़ाने का सिस्टम होता है कि अपने मन से फ्रीक्वेंसी 500 कर दिए, अपने मन से फ्रीक्वेंसी 40 कर दिए, नहीं, फ्रीक्वेंसी अगर कहीं बढ़ा रहे हैं उसके साथ साथ कहीं ना कहीं वोल्टेज बढ़ेगा, अगर वोल्टेज को नियत किए हैं तो कहीं ना कहीं बीएम घटेगा तभी ये नियत रहेगा, ठीक है ना। इसका मतलब है, अब समझिएगा यहां से, अगर ट्रांसफॉर्मर में किस कंडीशन पे फ्रीक्वेंसी बढ़ने से हिस्टेरेसिस लॉस बढ़ेगा, इसके लिए कंडीशन होना चाहिए कि V1 बटा F हमेशा कांस्टेंट अगर हो तो Bm बेचारा हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। समझिएगा, अगर V1 F को कर दिया इधर, ये अगर कांस्टेंट हो जाए बड़ा V1, ये अगर कांस्टेंट हो तो ये देखिए, क्योंकि बीएम को अपन कांस्टेंट कर रहे हैं ना, समझिएगा यहां से, बीएम को बोल रहे हैं कांस्टेंट करने के लिए, तो बीएम कांस्टेंट तभी रहेगा जब वी व एफ का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसलिए ध्यान रखें, ये फ्रीक्वेंसी बढ़ने से हिस्टेरेसिस लॉस बढ़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके लिए जरूरी है बीएम अगर कांस्टेंट हो तो कहां कहां बीएम पे इफेक्ट पड़ता है फ्रीक्वेंसी बढ़ने से, तो इधर भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये कह रहा है कि देखिए जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो बीएम कांस्टेंट होना चाहिए, और बीएम कांस्टेंट होने के लिए यहां से क्या आता है, वी बाय एफ। अगर वी बाय एफ हमेशा कांस्टेंट रहे तो आपके फ्रीक्वेंसी बढ़ने से हिस्टेरेसिस लॉस बढ़ेगा। इसका मतलब समझिए क्या कह रहा है, सपोज दैट एक पहले कंडीशन में आपने सप्लाई दिया था 200 वोल्ट, सप्लाई दिया था 200 वोल्ट और उसकी फ्रीक्वेंसी थी 50 हर्ट्ज़, सप्लाई दिया था 200 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी दी थी आपने 50 हर्ट्ज़,
इस टाइम इसका बीएम का मान मान लेता हूं मैं, बीएम का मान 25 है। बीएम का मान कितना है जी? 25 है, ठीक, 25 यूनिट में ले रहा हूं, अभी इसका यूनिट नहीं दे रहा, 25 है। लेकिन अब कहता है, अब फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ा देंगे तो हिस्टैरिसीस लॉस बढ़ेगा। कोई बोल रहा है फ्रीक्वेंसी को कर दिया हमने 50 हर्ज, सॉरी फ्रीक्वेंसी को कर दिया हमने कितना, 100 हर्ज, फ्रीक्वेंसी को कितना कर दिया, 100 हर्ज, तो क्या हिस्टैरिसीस लॉस बढ़ जाएगा? जी बढ़ेगा, लेकिन किन किन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपने जब 100 कर दिया है फ्रीक्वेंसी को, समझिएगा, जब फ्रीक्वेंसी को आपने 100 कर दिया तो V by F को कांस्टेंट रखने के लिए, यानी BM को कांस्टेंट रखने के लिए, आपको अगर फ्रीक्वेंसी को आपने 100 किया दोगुना से बढ़ा दिया है तो जी आप वोल्टेज को भी दोगुना से बढ़ाइए। यानी वोल्टेज को भी अगर आप 400 वोल्ट कर देंगे तब दोनों के रेशियो इसका इसका क्या होगा, BM हमेशा कांस्टेंट रह जाता है। BM हमेशा क्या होता है, V by F का रेशियो, देखिए इसका रेशियो कितना होगा 4 और इसका भी रेशियो कितना होगा 4। अगर ये कंडीशन होगा तब BM हमारा कांस्टेंट होगा, तो हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी कितना बढ़ गया, दो गुना, कितना टाइम्स बढ़ गया, दो गुना, तो हमारा हिस्टैरिसीस लॉस भी कितना गुना बढ़ जाएगा, दो गुना बढ़ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट होते हैं, ध्यान रहे न्यूमेरिकल में हर एक चीज क्लियर हो जाएगा, ज्यादा अर्सा भी नहीं रहता। यहां कुछ चीजें कई बार बच्चों को लगता है कि उसमें मतलब कि थोड़ी सी ओवर हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जब करेंगे तो ये बहुत आसानी से हो जाता है। तो यानी बीएम को कॉन्स्टेंट कैसे रख सकते हैं, किसी कोड में बीएम को कैसे कॉन्स्टेंट रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी को, जबकि एरिया तो इसका फिक्स है, वो तभी रह सकता है जब वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का रेशियो हमेशा समान रहे रहेगा, तो बीएम हमेशा समान रहेगा। अगर इसी ट्रांसफार्मर में 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज के लिए बनाया गया तो कोई कहेगा कि 100 हर्ट्ज के लिए क्या इसको यूज कर सकता हूं, तो कोई बोलेगा 100 हर्ट्ज के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए 200 के जगह पे आपको 400 वोल्ट अप्लाई करना पड़ेगा, क्लियर, तभी बीएम कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि मैंने आपसे बोला था बीएम ये हमेशा निर्भर करता है फाई बटा एरिया पे, ठीक है ना, फ्लक्स कितना है, यानी बीएम इंटू एरिया बराबर फ्लक्स होता है, तो ये एरिया पर निर्भर करता है। एरिया तो चूंकि बढ़ा घटा नहीं रहे तो डेंसिटी फ्लक्स माने एरिया उतना ही है, आप समझे, एरिया उतना ही है, आप फ्रीक्वेंसी घटाते बढ़ाते हैं तो डेंसिटी घट जाता बढ़ जाता है, तो ऐसे कंडीशन वो कैसे मैनेज करेगा, तो आपको उतना ही लाइन ऑफ फ्लक्स उस कोर से गुजारना है, तो उसके लिए जरूरी है आप फ्रीक्वेंसी को अगर मैनेज कर रहे हैं तो वोल्टेज को भी मैनेज कीजिए, तभी उतना ही फ्लक्स की डेंसिटी उस कोर से गुजर पाएगा, ठीक है ना। तो आई होप अब क्लियर हो चुका होगा, बाकी इसको न्यूमेरिकल कराएंगे तो आपको बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो एक कंडीशन तो ये हो गया कि अगर बीएम कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनली, अगर ये 4 गुना हो रहा है फ्रीक्वेंसी तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना, लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा कि रेशियो हमेशा समान है कि नहीं। पहले कंडीशन में वी वाई एफ का जो रेशियो था, बाद में भी वी वाई एफ का रेशियो समान है कि नहीं, अगर ये है तो आपका 4 गुना हिस्टैरिसीस लॉस हो जाएगा, क्लियर। तो और देखते हैं इसके रिगार्डिंग कि अगर बी एम कॉन्स्टेंट ना हो, नेक्स्ट केस में देखता हूं यहां पे, इफ BM is not constant, दूसरा केस में देखता हूं यहां से, अगर BM constant नहीं रह पाता है तो क्या होगा, मतलब आपने frequency बढ़ा दिया, आपने frequency बढ़ा दिया और voltage को नहीं ध्यान में रखा, तब केस इस condition में क्या होगा, तो BM is not constant, ये constant नहीं है, तब क्या होगा, देखिए तब क्या होगा, हम ये चाहेंगे कि हमारा जो है BM अगर ये constant नहीं रहेगा तो ये hysteresis loss किसके समानुपाती होगा, ये चेक करने जाएंगे। तो आपको पता है यहां पे था ये 1.6 इंटू वी सी इंटू एफ, ये फॉर्मूला था, अगर ये कांस्टेंट नहीं रह रहा तो इनके क्रॉस में ये दोनों पे समानुपाती है, तो हम क्या करेंगे, अगर कांस्टेंट नहीं है तो हम चेक करेंगे कि किस पे निर्भर कर रहा है ना, तो हम फ्लक्स डेंसिटी इलेक्ट्रिसिटी अपन करंट वोल्टेज के टर्म में देते हैं, फ्रीक्वेंसी के टर्म में देते हैं, अब बी के तो बारे में अपन आइडिया नहीं है, तो बी को रिलेट करेंगे किसके टर्म में, करंट और वोल्टेज के टर्म में, तो बी को करंट और वोल्टेज के टर्म में रिलेट करने के लिए कौन सा होता है जी, ये वी बाय एफ को अगर मैं बी लिख सकता हूं कि नहीं, यहां से सब कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट, ये ये कॉन्स्टेंट, तो वी बाय एफ बराबर क्या हो जाएगा, बी एम, वी बाय एफ बराबर क्या हो जाएगा, बी एम, ये इसके क्या होगा, समानुपाती, समानुपाती होगा कि नहीं, ये इसको अगर समानुपाती होगा, ये सब समानुपाती ही है, ये सब समानुपाती होगा, इसका मतलब है इसको मैं इसके टर्म में लिखना चाहूंगा, किसके टर्म में, इसको बी को के जगह पे, क्योंकि हम वी और एफ को ही जानते हैं, बी के टर्म में नहीं जान रहे हैं, तो 1.6 इंटू वी सी इंटू एफ, अब इसको
अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर था अब तक, अगर इसको हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, समानुपाती, यहाँ देखिए समानुपाती हो जाएगा, तो बचेगा क्या क्या, ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये सब कांस्टेंट टर्म हट जाएगा, v पे पावर 1.6, f पे पावर माइनस 1.6 और f पे पावर 1, यानी आप कह सकते हो v पे पावर 1.6 इंटू f पे पावर माइनस 0.6, यानी हिस्टेसिस लॉस अब जो है इन पैरामीटर पर निर्भर कर रहा है, यहाँ पे माइनस 1.6 है, हिस्टेसिस लॉस इन चीजों पर निर्भर कर रहा है, अब ध्यान रहे, यानी हिस्टेसिस लॉस अब किस पे, वी पे पावर 1.6 इंटू एफ पे पावर माइनस 1.6, इन पर निर्भर कर रहा है, कब, जब बीएम कांस्टेंट नहीं है, VM कांस्टेंट नहीं है तब ये होगा, जब VM कांस्टेंट है तो सीधे फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है, ध्यान रहे आपको एग्जाम में सीधे पूछ लेता है, अगर किसी ट्रांसफार्मर का मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी कांस्टेंट हो तो किस पर निर्भर करता है, सीधे फ्रीक्वेंसी पर, अगर मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी अगर कांस्टेंट ना हो तो वो फ्रीक्वेंसी के साथ साथ वोल्टेज पर भी निर्भर करता है, तो ये सब क्वेश्चन है, अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा तो फटाफट आपको चीजें पता होने जाएंगी, तो अब हम, मैं यहाँ पे ओवरऑल हिस्टेरेसिस लॉस के बारे में अगर लिखना चाहूँ, यहाँ पे हिस्टेरेसिस लॉस के बारे में मैं लिखना चाहूँ तो समझिएगा यहाँ पे क्या होता है, हिस्टेरेसिस लॉस के बारे में अगर लिखना चाहूँ तो टोटल क्या हो गया, एक बार बीएम कांस्टेंट था, दूसरी बार बीएम कांस्टेंट नहीं था, तो हम यहाँ पे हिस्टेरेसिस लॉस के बारे में लिखना चाहें, पहले वाले केस में तो A इंटू एफ लिख सकता हूं, पहले वाला केस के लिए जो अभी हमने इससे पहले किया, और हिस्टेसिस लॉस को यहां लिख सकता हूं K इंटू वी वन पे पावर 1.6, F पे पावर माइनस 0.6, ये लिख सकता हूं कि नहीं, ये अगर लिख सकते हो आप, ध्यान रहे काफी हाई लेवल की चीजें हैं इसलिए थ्योरी अच्छे से कर लेना अपने को, ये सेकेंड इक्वेशन मानता हूं, लेकिन ये कब है, जब BM हमारा क्या है जी, कांस्टेंट, और ये कब है, जब हमारा बीएम क्या है, कांस्टेंट नहीं है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है ये, ठीक है ना, ये दो चीज हमारे लिए निकल आया, मैं इसकी जगह पे ले लेता हूं बी, तो ज्यादा बेहतर होगा ताकि आगे काम भी आएगा, यहाँ पे बी ले लेता हूं तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना, ए को बराबर करने के लिए हमने क्या लिया, यहाँ ए और यहाँ क्या लिया, बी कांस्टेंट टर्म, तो ये है ओवरऑल चीजें, आपसे पूछता है कि हिस्टेरेसिस लॉस किसके समानुपाती होता है जी, हिस्टेसिस लॉस जो होता है फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होगा, लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा, अगर ये फ्रीक्वेंसी वोल्टेज दोनों पर निर्भर करेगा जब मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा, तो क्वेश्चन देखिए आपको यहां से क्लियर हो जाएंगे, एक क्वेश्चन में कराता हूं ताकि क्लियर हो कॉन्सेप्ट आपका, ओके गाइज, इन कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए देखिए मैंने क्वेश्चन लिया है हिस्टेरेसिस लॉस पे बेस्ड ही, ए ट्रांसफार्मर में कोई बोल रहा है कि 240 वोल्ट और 60 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर हैज ए हिस्टेरेसिस लॉस, जिसमें 30 वाट का हिस्टेरेसिस लॉस है इस ट्रांसफार्मर में, ठीक है ना, देन इफ अप्लाइड वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी 200 और 50 हर्ट्ज कर दिया जाए तब हिस्टेरेसिस लॉस क्या होगा, तो आपको पता है हिस्टेरेसिस लॉस या पीएच जो समानुपाती होगा वो पता तभी कर पाते हैं ये कितना होगा, इसके लिए हमको ये चीज पता होना चाहिए कि बीएम कांस्टेंट है या कांस्टेंट नहीं है, यही चीज पता करना होता है, तो बीएम कांस्टेंट है या नहीं है, अगर नहीं लिख के दे रहा है तो आपको चेक करना पड़ेगा बीएम की जगह पे क्या, क्योंकि बीएम किस किस प्रोपोर्शनल होता है, वी बाय एफ के, वी बाय एफ के, ये चेक कीजिए, अगर ये हमेशा कांस्टेंट रहे जिस रफ्तार से वोल्टेज और को और फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दे तो यानी वो कांस्टेंट रहेगा उसका रेशियो, अगर वो चीज प्रोपोर्शन है तब तो फ्रीक्वेंसी के समानुपाती बोल देंगे, अगर प्रोपोर्शन नहीं होगा तब फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज दोनों के समानुपाती बोलेंगे, तो यहां से देखिए पहले था ट्रांसफार्मर में V बाय एफ, देखिए V बाय एफ कितना था जी, 240 और 60, मतलब रेशियो कितना हो गया इसका, V बाय एफ का रेशियो 4, ठीक है, जब चेंज कर दिया गया फ्रीक्वेंसी तो उसके साथ साथ वोल्टेज को भी चेंज किया है, तो देखते हैं क्या बीएम को क्या किया इसके लिए, तो 200 और दूसरी बार बच्चा 50, फिर V by F को अगर देखते हैं जब चेंज किया गया है तब भी रेशियो कितना है 4, इसका मतलब V by F को जब रेशियो तो हमेशा 4 ही मेंटेन किया है, इसका मतलब BM को कांस्टेंट मान रखने के लिए, BM को
कांस्टेंट रखने के लिए, अगर बीएम को कांस्टेंट रखने के लिए ये रेशियो इसने बनाया सही तरीके से, इसका मतलब हिस्टेरेसिस लॉस किस पे निर्भर करेगा, सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर। किस पे निर्भर कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर। अब देखिए फ्रीक्वेंसी कितना गुना घटा बढ़ा है, तो फ्रीक्वेंसी कितना गुना बढ़ गया जी, ये गुना में अगर 100 होता तो 120 होता तो समझते दो गुना बढ़ गया, ये कितना फ्रीक्वेंसी घटा ही है ना, फ्रीक्वेंसी क्या किया है, घटा है। तो आप बताइए इसके लॉस क्या होंगे, और कम होगा, लॉस क्या होगा, कम हो जाएगा समानुपाती, चूंकि फ्रीक्वेंसी 60 से घटकर 50 हो गया है, हिस्टेरेसिस लॉस भी कम हो जाएगा। तो इसको निकालेंगे कैसे, अगर कैलकुलेशन है से निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो पहले हिस्टेरेसिस लॉस क्या था उसके समानुपाती उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, फिर दूसरे कंडीशन में हिस्टेरेसिस लॉस क्या होगा क्योंकि उसकी समानुपाती उसकी फ्रीक्वेंसी है, दोनों का रेशियो कर दीजिए तभी तो निकलता है। एक चीज पता है उसके रेशियो में बढ़ा तो उसका रेशियो ही करते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, पहला कितना बार था हिस्टेरेसिस लॉस, 30, उसके बाद दूसरे का निकालना है दूसरे कंडीशन पे, पहले के समानुपाती फ्रीक्वेंसी कितनी थी 60 हर्ट्ज और दूसरे के समानुपाती आपको पता है 50 हर्ट्ज कर दिया गया, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए अगर ये कट गया तो हिस्टेरेसिस लॉस जो होगा कितना होगा, आप निकालोगे ये यहाँ चला गया तो 30 × 5/6 25 वाट, क्लियर। घटता घटता तो श्योर है पर कितना होगा जी हिस्टेरेसिस लॉस, जब आप फ्रीक्वेंसी को कम कर दे रहे हैं पहले की तुलना में तो आपका हिस्टेरेसिस लॉस ज्यादा जा रहा है 25 वाट, क्लियर। तो ऐसा नहीं है कि खाली फ्रीक्वेंसी चेंज कर दिए तो हम बता देंगे कि हाँ ये हिस्टेरेसिस लॉस घट जाएगा बढ़ जाएगा, आपको बीएम चेक करना पड़ता है, अगर बीएम क्या कर रहा है, ये कांस्टेंट है या कांस्टेंट नहीं है, अगर ये चेक हो जाता है तो हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर लेते हैं। आई होप आपको कोई क्वेश्चन से या डॉट्स नहीं रहे होंगे। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म आपको समझा देता हूं कि क्यों किसी ट्रांसफार्मर में बीएम को ही देखा जाता है, कि बीएम घट रहा है कि नहीं बढ़ रहा है उससे क्या फर्क पड़ जाता है। तो बस दो लाइन उसको समझिए, आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्या हो रहा है। आई होप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि क्वेश्चन को आप बनाए, हालांकि सबका पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, एक एक चीज जितना आप लिख रहे हो कर रहे हो सबका पीडीएफ और मार्केट में बुक भी मिलेंगे, बुक पूरे टाइप्ड बुक मिलेंगे आपको और पूरे का हैंड रिटन नोट भी मिलेगा, जितना मैं लिखवा रहा हूं सबके हैंड रिटन नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऐप पे, आप डिस्क्रिप्शन चेक करते रहिएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये इस तरीके से होगा। अब मैं बताता हूं कि इस सबके पीछे एक ही चीज था बीएम, बीएम के पीछे क्यों पड़े हैं, वो कॉन्स्टेंट है या नहीं है, इसके पीछे क्यों पड़ते हैं, चलिए उसको देखते हैं। बीएम के बारे में क्यों ऐसा बीएम के लिए बैठे रहते हैं, देखिए बीएम से क्या रिलेशन होता है समझिएगा, बीएम के रिलेशन को समझना है, बीएम के रिलेशन को थोड़ा समझना है। देखिए ये जो बीएम है ये किस पे निर्भर करता है, फाइएम बटा एरिया, फ्लक्स पर यूनिट एरिया ही क्या कहलाता है, फ्लक्स डेंसिटी, यूनिट ही सबका याद होना चाहिए, पहले हमने डिस्कस कर रखा है। अब समझिए बीएम कहीं घट गया या बढ़ गया उससे क्या फर्क पड़ता है, देखिए बीएम नियत रहेगा चूंकि उसमें फ्लक्स अगर कोई फिक्स है, एरिया भी पहले से फिक्स है तो बीएम ठीक है फिक्स है, लेकिन एरिया हमेशा कांस्टेंट रहेगा, समझिएगा एरिया हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब वोल्टेज कम ज्यादा करेंगे तो करंट कम ज्यादा होगा, ये चेंज करेगा, इसके चेंज करने से क्या होगा, ये चेंज कर जाएगा, और ये चेंज करेगा तो किसी कोर का क्या, कोर अलाउ करता है क्या, आपको पता है कोर एक लाइन ऑफ फ्लक्स को ही हमेशा क्या करा परमिट करेगा ना, कोर की कैपेसिटी होती है, ज्यादा फ्लक्स गुजारना है तो मोटा कोर बनाइए, कम फ्लक्स गुजारना है तो छोटा बनाइए। यही देखिए ट्रांसफार्मर का साइज छोटा क्यों, क्योंकि इसके कोर से होके कम फ्लक्स गुजार रहा होगा, कम रेटिंग का है। अब बड़ा आप जब बात करेंगे बड़े ट्रांसफार्मर की तो वहां उस कोर से ज्यादा फ्लक्स गुजरेगा, इसीलिए बड़ा साइज होता है, नहीं तो छोटा ही लेके चले जाते हैं पूरे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। इसीलिए उस कोर से कितना फ्लक्स गुजरेगा वो उसके रेटिंग पर निर्भर करता है, इसलिए वोल्टेज करंट का रेटिंग बढ़ता है तो कोर का साइज बढ़ता है, ट्रांसफार्मर का साइज बढ़ता है। अब समझिए बी का मतलब यहां से, अब बीएम और किस पे निर्भर करता है, ये समानुपाती आ रहा है वी बाय एफ, किस पे आ रहा है, वी बटा एफ, समझिएगा यहां से जो इक्वेशन ईएमएफ का था उसी से हमने निकाला। सिर्फ अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता हूं तो बीएम कांस्टेंट रखने के लिए क्यों बात करते हैं, सिर्फ फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता हूं, अब वोल्टेज को कांस्टेंट रखिएगा, सिर्फ फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे और वोल्टेज को कांस्टेंट रखेंगे तो ये क्या होगा, आपका फ्लक्स डेंसिटी घट जाएगा, फ्लक्स डेंसिटी घटेगा
तो ठीक है, इसका साइज छोटा हो जाए तब क्या हो जाए, फ्रीक्वेंसी अगर आप बहुत बढ़ाएंगे तो फ्लक्स की डेंसिटी घट जाएगी, और एरिया कांस्टेंट है तो ये घटेगा तो इसका मतलब फ्लक्स भी घटेगा। तो इस कोड में कम फ्लक्स है, मान लो पहले 100 लाइन आप गुजारना चाह रहे थे, अब फ्रीक्वेंसी जब खाली बढ़ा दिया आप तो फ्लक्स डेंसिटी घटा तो फ्लक्स ही घटा, तो आप कितना 85 लाइन जा रहा है, तो 50 लाइन के लिए इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मर की जरूरत नहीं, आप छोटा कर लो तो चलेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर यही हो जाए VYF का, फिर समझिएगा, अगर ऐसा हो जाए किसी ने फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया, फ्रीक्वेंसी को कम किया और वोल्टेज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया, तो ऐसे कंडीशन में कौन बढ़ेगा, BM बढ़ेगा। अब BM के अगर बढ़ा, अगर BM बढ़ा और ट्रांसफार्मर का कोर कांस्टेंट है तो क्या बढ़ा, फाइ एम बढ़ा। अब फ्लक्स इस कोर की कैपेसिटी थी 100 लाइन ले जाने की, आपने फ्रीक्वेंसी जब कम किया तो अब इससे कह रहा है कि हम 150 लाइन गुजरेंगे, कितना लाइन 150, लेकिन ये कोर परमिट ही नहीं कर रहा, आपको पता ना मैग्नेटिक सेचुरेशन हो जाता है कोर के अंदर, पहले मैं बताया मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, तो अब 150 लाइन ये परमिट ही नहीं करेगा, इसीलिए ये ट्रांसफार्मर एप्लीकेबल हो ही नहीं पाएगा, कि फ्रीक्वेंसी अपने मन से आप नहीं बढ़ा सकते, उसके रेशियो में वी को भी चेंज करना पड़ता है, अगर नहीं चेंज करेंगे तो बीएम मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। अब एक चीज और यहां पे मैंने हालांकि पहले भी डिस्कस किया था, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ते हैं तो कोर का फ्लक्स डेंसिटी घटता है, फ्लक्स डेंसिटी घटता है तो आपका फ्लक्स भी घटता है, फ्लक्स घटता है तो कोर का साइज छोटा कर लीजिए, इसीलिए जो एयरक्राफ्ट होते हैं एयरक्राफ्ट के अंदर ट्रांसफार्मर का साइज छोटा होता है, क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ा जाता है तो फ्लक्स की डेंसिटी घट जाती है, फ्लक्स की डेंसिटी घट जाती है तो फ्लक्स घट जाता है, और जब फ्लक्स घट जाएगा तो ट्रांसफार्मर का बड़ा कोर में फ्लक्स कम फ्लक्स गुजार के क्या करेंगे, उसका कोर का साइज छोटा कर दीजिए, और छोटा हमारे लिए बेनिफिशियल होता है एयरक्राफ्ट को यूज़ करने के, उसमें ले जाने के लिए, ठीक है ना। एयरक्राफ्ट के लिए हमेशा एयरक्राफ्ट में क्या होगा, लाइट वेट होना चाहिए, तो ट्रांसफार्मर छोटा होना चाहिए, इसलिए फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, राइज कर देते हैं। आपसे कई बार पूछता है एयरक्राफ्ट के अंदर जो ट्रांसफार्मर यूज होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, जी 400 हर्ट्ज़ कितनी होती है, 400 हर्ट्ज़ क्वेश्चन कई बार पूछ देता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। आई होप कि हिस्टेरेसिस लॉस को आपने बहुत अच्छा से पढ़ा होगा, फिर भी कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, गुड लक, हैव अ नाइस डे।